जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। एक वैकेंसी जारी की गई है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ये एक सरकारी कंपनी के तौर पर जानी जाती है। देश की अगर देखा जाए तो ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसने अभी हाल फिलहाल में यानी कि 29 जनवरी को 300 असिस्टेंट के लिए पोस्ट जारी किया गया है। इसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पोस्टेज हैं। ये काफी शानदार वैकेंसीज है असिस्टेंट के तौर पर। अगर आप इस पर ध्यान दें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने की जो तारीख है 1 फरवरी से शुरू होगी और लास्ट डेट 15 फरवरी तक चलेगी। इसमें दो एग्जाम्स जारी किए जाएंगे, एक तो टीयर वन का जो कि प्री एग्जाम्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से बैंक के पैटर्न पर चलते हैं। एक दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा जो है आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि आपके रिजल्ट आने के बाद तुरंत आपको बता भी दिया जाएगा। अगर कॉल लेटर की बात करें तो इसमें यह साफ साफ मेंशन किया गया है कि 7 days prior to the date of each examination, यानी कि जब भी कॉल लेटर जारी किया जाएगा वो आपके एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले जारी किया जाएगा। सारी जानकारी आप सभी लोग इस वेबसाइट से यानी कि www.newindia.co.in जो कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें पूरी तरीके से कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरीके से एक ग्रेजुएशन से बनाई गई है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेशनलिटी इसमें वो कैंडिडेट्स भी पास कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं, नेपाल के नागरिक हैं और भूटान के नागरिक हैं। साथ ही साथ जो तिब्बतन रिफ्यूजीज होते हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल का है और मैक्सिमम एज 30 साल का है। जो डेट काउंटेबल किया गया है वो 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एज को 1 जनवरी 2024 से, यहाँ पे इसका मतलब ये बताया गया है कि आपका जो जन्म है 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए और आपका 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप सभी लोग इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट न्यूज, और बैकवर्ड यानी कि ओबीसी के देखा जाए तो 3 साल का है। साथ ही अगर जो डिसेबिलिटी पर्सन है जो डिसेबल है उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 साल के भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरी तरीके से आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि चाहे आप बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे बीए हो बीएससी हो बीएड हो या बीटेक किए हो, किसी भी प्रकार से ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए और आपको आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है आपका जो सर्टिफिकेट है आप पास होनी चाहिए। आपके जो रिजल्ट है वो 1/1/2024 के पहले आ जाने चाहिए। इस परिभाषा के अनुसार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये पूरी गाइडलाइंस आपको दी गई है आपके न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप इसमें देखें ना तो प्री एग्जामिनेशन का जो दिया गया है, प्री एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे जैसे कि बैंकिंग का पैटर्न होता है ना, ठीक उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी का भी पैटर्न बनाया गया है। जैसे आईबीपीएस आपका ग्रामीण बैंक का हो गया हो चाहे एसबीआई का हो गया हो चाहे आईबीपीएस का हो गया हो, पैटर्न पूरा वही होता है। अब प्री एग्जाम में क्या क्या आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, मार्क्स 30 रहेंगे, 20 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा और ये पूरा परीक्षा अंग्रेजी में होगा। आपके साथ ही रीजनिंग और मैथ्स भी प्री एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल प्री एग्जाम्स के जो टाइमिंग दी है वो 1 घंटे का रहेगा। अब 1 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपके सामने 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। अब इसमें जितना भी कट ऑफ जाएगा वो डिपेंड करता है NIACL के ऊपर। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपके 40-40-40-40 करके क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 250 रहेंगे, जैसा कि आईबीपीएस पीओ मेंस में होता है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में होता है।
अंग्रेजी में 40 रहेंगे, मार्क्स 50 के रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके लिसनिंग में 40 रहेंगे, मार्क्स 50 रहेंगे। साथ ही अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के क्वेश्चन 40 रहेंगे, 50 मार्क्स रहेंगे। कंप्यूटर भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कंप्यूटर में भी आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे और 50 नंबर के मार्क्स रहेंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे और मार्क्स आपके 50 रहेंगे। ये सारी एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूरी तरीके से आप कहते हैं ना कि पैटर्न, बैंक का पैटर्न अपनाया गया है। यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी, अटैच कर दी जाएगी। आई होप आप सभी लोग इस तरीके की तैयारी करते रहे, जिससे कि आप आने वाले समय में आप अपने इंश्योरेंस कैरियर में या बैंकिंग सेक्शन में आप अपने आप को कैरियर के रूप में देख सकें। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हमने आपको मेंशन करके बता दी हैं। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको खुद से सर्च करनी पड़ेंगी, जैसे कि जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में आपको प्रॉपर तरीके से फीस के बारे में भी लिखा गया है और एप्लीकेशन कैसे भरना है ये भी लिखा गया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी गई है, आप इसको बहुत कायदे से पढ़े, समझदारी से पढ़े और फॉर्म को फिल करें और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब समय नहीं है और आप प्रॉपर तरीके से इसकी अगर सैलरी, अच्छा हाँ सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि सैलरी, कि सैलरी कितनी होती है भाई, तो सैलरी जो है स्केल ऑफ पे के अकॉर्डिंग जो असिस्टेंट की बनाई गई है वो आपकी बनाई गई है 22,405 से लेके 49,765। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ओवरऑल सारी चीजें मिलाने के बाद आपके पास लगभग 49,000 के आसपास सैलरी आएगी। ये एक मोटा मोटी जानकारी आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे शहर के ऊपर डिपेंडेंट भी रहता है। अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटीज में होती है तो वो एक अलग दी जाती है, अगर आपका टीयर टू शहर में दिया जाता है तो वो एक अलग ही मैटर रखता है। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल इमोल्यूमेंट्स जो किया जाएगा अप्रोक्सीमेट लगभग 37,000 पर मंथ के आसपास दिया जाएगा, यानी कि मेट्रो सिटीज में 37,000 पर मंथ इसकी सैलरी बनेगी। ये इसके अलावा आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, आपको मेडिक्लेम पॉलिसी दी जाएगी, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, सारी साथ ही आपके फैमिलीज को जो ट्रेवल अलाउंस होती है वो ट्रेवल अलाउंस दी जाएगी, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स के तहत जो एज पर कंपनी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी दी जाएंगी। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी और आई होप आज आपके इस इंफॉर्मेशन के लिए आप रेडी रहिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएं और www.newindia.co.in पे जाएं, वहां ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग इधर उधर से सर्च करते हैं और एग्जैक्ट जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाती है। तो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आपका newindia.co.in पर आ चुका है, आप सभी लोग 1 तारीख से फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि लास्ट डेट 15 फरवरी लास्ट डेट है और शुरुआत जो फॉर्म फिल करने की जो डेट होगी वो 1 तारीख होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन है और पूरा पैटर्न बैंक के ऊपर है। टोटल वैकेंसी 300 वैकेंसी आई हुई है और आप इसको फिल कर सकते हैं और अपने तैयारी को एक नया मुकाम भी दे सकते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर ही रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। एग्जामिनेशन आपका फैब में होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए बने रहिए, स्टडी लवर वीर परिवार से जुड़े रहिए, साथ ही साथ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा SLV बैंकिंग गुरु को। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।